हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको अपनी टेरेस गार्डन दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एक सैकुलेंट है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज है सैकुलेंट की, मगर ये सुंदर सी है। इसमें फ्लावर भी आते हैं रेड रेड। अब आएंगे ये जो प्रसाद, मतलब थोड़ी सी मीड में आ जाती है ना, फिर इसमें फ्लावर आने लगते हैं। देखिए, ये भी एक सैकुलेंट है और इसमें भी तुलसी भी आ गई है। बहुत सारे गमले में इतनी तुलसी आ गई थी, इसको मैंने निकाल कर अलग से गमले में डाल दिया है। बहुत तुलसी हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी तुलसी, कितने हरे भरे स्वस्थ पौधे हुए हैं। इस तरह सारे पौधे हो गए हमारे। एक लाइन से मैंने 4-5 गमलों में लगा दिया है। ये देखिए, इसमें खरपतवार आ जाते हैं, इसे निकालना पड़ जाता है। और ये देखिए एक तुलसी ये भी है ना, बहुत स्वस्थ और अच्छी। बहुत सारे हो गए हैं। एक ये भी है और ये देखिए हमारी और तुलसी। ये काली तुलसी है। काली तुलसी मेडिकेटेड रूप में बहुत यूज होता है। ये देखिए हमारा गिलोय का पौधा है। ये गिलोय, ये भी मेडिकेटेड यूज होता है, मेडिकेटेड मेडिसिन बनाने के रूप में। और इसमें भी तुलसी आ गई है। अच्छा ही है। इसे भी मैं अलग गमले में, इसे ये आ गई है ना, इसे भी मैं अलग गमले में निकाल कर दूंगी। सभी लोग मांगते हैं, पौधे भी ले जाते हैं, पत्ते भी लेते हैं, तो मेरे काफ़ी यूज होते हैं और घर में भी मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। ये देखिए, ये भी एक मेरा सैकुलेंट है। कितने अच्छे बड़े से पौधे हो गए ना, घने से। इसमें भी तुलसी आ रही है, देखो। ये दो, इन सबको निकाल के अभी मैं सेपरेट करूँगी। और ये देखिए, ये एक फैकस है। ये देखिए हमारा एलोवेरा है, आप जानते ही हैं, ये भी मेडिकेटेड रूप में यूज होता है। और मेरे 2-3 गमलों में ऐसे मैंने एलोवेरा भी लगाया हुआ है। और ये देखिए, ये लेमन ग्रास, इनने घने हो गए हमारे। इसे तो मैं बहुत यूज करती हूँ, लेमन टी बनाती हूँ। और ग्रीन टी के साथ भी थोड़ी सी दे दीजिए तो फ्लेवर आ जाते हैं, अच्छे होते हैं। ये देखिए, ये हमारी सिंगोनियम है जो नीचे भी थी। और ये एक डेकोरेटिव प्लांट है, बस ऐसे ही अच्छे लगते हैं इसलिए लगाया हुआ है। और ये देखिए निडल सेप्स लीफ वाले प्लांट, इसे चीड़ के पेड़ बोलते हैं। ये हिमाचल में ज़्यादा पाई जाती है, बर्फीले जगह पे बहुत बड़े बड़े बहुत होते हैं। मैंने गमलों में लगाया हुआ है, बड़े से गमले में है तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, 2 पॉट मेरे पास ऐसे ही रखे हुए थे तो मैंने इनमें भी ऐसे ही मिट्टी डालकर लगा दिया है। सुंदर लग रहा है ना। हमारा जेड प्लांट, ये भी मैंने काफ़ी सारे लगाए हुए हैं एक लाइन से, देखो। इसकी कटिंग भी लग जाती है, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में एक दिन दिखाऊं। ये देखिए, इस प्लांट को ना मैं मनाली से लेकर आई थी। मैं मनाली गई थी एक बार, वहाँ होटल में लगे हुए थे, मैं थोड़ी सी लेकर आई थी। और इसमें अभी पिंक फ्लावर बहुत सारे हो जाएंगे। सैकुलेंट फैमिली से ही आती है, और जब इसमें फूल आएंगे ना, मैं फिर दिखाऊंगी आपको इसके फ्लावर कितने अच्छे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे आइस लुक आती है उसकी। ये हमारा पुदीना, मैं मार्केट से थोड़ी सी पुदीना लेकर आई थी, मैंने पत्ते यूज कर लिए और डंडियाँ इसमें लगा दी ऐसे। ये देखिए कितने अच्छे हो गए ना, बहुत सारे हो गए, नए नए बहुत आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए चाइनीज पालक है हमारा, अभी मैंने कटिंग कर दी थी तो थोड़े थोड़े हैं, अभी इसकी गुड़ाई करने वाली हो रही है, मैं अच्छे से फिर करूँगी इसकी। मैंने टोमेटो की बीज ऐसे ही गमले में डाल दिया था तो पौधे आ गए हैं। ये बड़ी होएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। ये देखिए, ये हमारा ड्रेसिना प्लांट है। ये एक इंडोर प्लांट है, मैंने बाहर भी रखा है, अंदर भी रखती हूँ मैं, और 1-2 मैंने बाहर भी रखा हुआ है। ये काफ़ी सदाबहार प्लांट है, जल्दी सूखते नहीं, झड़ते नहीं, एवरग्रीन प्लांट है ये। और ये देखिए हमारी पर्पल हर्ड है, ये मैं थोड़ा चिड़ियों के लिए दाना रखी हूँ, दाना और पानी रख देती हूँ। फ्रेंड, हमारी
वाइल्ड अजवाइनी की प्लांट है ये और ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये देखिए हमारे घर के पीछे कितनी सारी ग्रीनरीज है ना, और खेत भी हैं। इसमें कॉर्न लगे हुए हैं, मक्की जिसको बोलते हैं ना, भुट्टा प्रसाद में भूनकर खाने में कितना मजा आता है। और मैं आपको नीचे के गार्डन के एक दो प्लांट दिखाती हूँ जो बहुत ही सुंदर हो गया। ऐसे आपने देखा हुआ लेकिन मैं फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी चांदनी का पेड़ है, इसके फूल भी बड़े खुशबूदार और बहुत अच्छे होते हैं। हमारा सैकुलेंस प्लांट है ये। सैकुलेंस की भी हमारे पास काफ़ी वैरायटीज है, मैं आपको एक दिन सिर्फ सैकुलेंट की वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे चंपा फ्लावर की प्लांट है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि उसे बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाती है। अगर आप थोड़ी स्ट्रेस में भी हो, परेशान हो, थके हो, थोड़े से इसके पास बैठ जाओ या थोड़ी सैर कर लो इसके पौधे के आस पास, एकदम माइंड फ्रेश हो जाती है। और ये हमारा नींबू, और ये जो नींबू है ना बिल्कुल ऑर्गेनिक है, घर के अपने शुद्ध प्योर। हमारा अमरूद, कितना ज़्यादा अमरूद आया हुआ है, भर के इतने पौधे में अमरूद आ गए हैं कि पेड़ ही झुक गए हैं सारे।